हेलो गाइस, मैं सिद्धार्थ ग्रोवर आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। सिद्धार्थ ग्रोवर गेमिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम क्रिकेट 23 के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि ड्रीम क्रिकेट 23 नाम की एक नई गेम आने वाली मोबाइल्स पर आएगी ये गेम, और इस गेम्स के ग्राफिक्स मतलब फ़ोटोज़ देख के बहुत ही बढ़िया लग रही है इस गेम के ग्राफिक्स। तो आज हम इस गेम के बारे में बात करेंगे जो कि प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी है। जब भी हम स्टोर पे सर्च करते हैं तो ये कुछ ऐसा फेस आ जाता है, तो ये गेम जो है लोड नहीं हो रही है प्ले स्टोर पे, इसके कारण क्या है आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये गेम कब रिलीज़ होगी और कैसे होगी और कैसे 2GB में या 2G 3G में कौन कौन से फ़ोन में ये रन करेगी कैसे करेगी, आज की इस वीडियो में हम सभी इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सिद्धार्थ ग्रोवर गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने व्यू बताना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस, क्यों ड्रीम क्रिकेट 23 प्ले स्टोर से रिमूव कर दी है, इसके बारे में आज हम जेन्युइन बात करेंगे। कोई भी मतलब फेक र्यूमर नहीं फैलाएंगे, ताकि ये मतलब ऐसे ही हम बोल दें कि वो गेम को और डेवलप करना चाहते हैं इसलिए एक बार वो रिमूव कर दिया है। और अगर एक बात और मैं आपको बताऊँ, अगर उन्होंने गेम को डिवेल्प करना है तो गेम का, क्योंकि गेम ऑफिशियली अभी तक तो प्ले स्टोर पर आई नहीं थी, एक बार सिर्फ एक शो ही हो रहा था सिंपलली, तो वो भी इन्होंने प्ले स्टोर वालों ने रिमूव किया है, ना कि ड्रीम क्रिकेट 23 वालों ने ये रिमूव किया है। तो हम ये बात तो कह नहीं सकते कि ये गेम को और डेवलप करना चाहते हैं इसलिए ड्रीम क्रिकेट 23 प्ले स्टोर से रिमूव हुई है। तो क्या कारण हो सकते हैं ड्रीम क्रिकेट 23 के प्ले स्टोर से रिमूव होने के, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं और सॉलिड रीज़न आपके साथ लेकर आया हूं। तो गाइस, अगर हम बात करें ड्रीम क्रिकेट 23 क्यों प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी, तो गाइस ये आप देख सकते हो, हैड सेम क्वेश्चन, दिस इज नॉट जस्ट आंसर, जस्ट अ पर्सनल थॉट, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ गूगल प्ले एज गूगल वर नॉट सपोर्टिंग पेड फैंटेसी इन प्ले स्टोर। मतलब गाइस, गूगल जो है पेड फैंटेसी को नहीं सपोर्ट करता है गूगल प्ले स्टोर में। जैसे कि इनके एक ऐप आई थी ड्रीम 11 नाम की, वो भी प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी है, और ड्रीम 11 को रिमूव होने का कारण भी ये था कि वहाँ पर गैम्बलिंग होती थी। तो इसके कारण गूगल प्ले वालों ने ड्रीम 11 को भी रिमूव कर दिया था। और गूगल का सोचना ये है कि ये जो ड्रीम क्रिकेट है, हो सकता है कि ये भी ऐसे ही पेड गेम्स हो तो उसको गूगल सपोर्ट नहीं करती है, तो ये इसका मेन कारण हो सकता है कि गूगल प्ले स्टोर वालों ने ड्रीम क्रिकेट 23 को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया है। तो इसके रिलेटेड अगर हम और बात करें कि ड्रीम 11 क्यों रिमूव हुई थी, उसका भी यही कारण था, एक्चुअली इट वॉयलेट्स गूगल प्ले पॉलिसी। मतलब इन्होंने भी वॉयलेट किया था गूगल प्ले पॉलिसी को, और गूगल का कहना है कि ड्रीम क्रिकेट 23 भी हो सकता है कि वॉयलेट करती हो गूगल प्ले पॉलिसी को। ये तो था इसका एक कारण जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ड्रीम क्रिकेट 23 गूगल प्ले से रिमूव हो चुकी है। और अगर इसके दूसरे कारण की हम बात करें, तो गाइस जब भी कोई भी प्री पेड आती है, कोई प्री रजिस्ट्रेशन आती है किसी भी ऐप की गूगल प्ले पे ऊपर, उसका 90 डेज का टाइम होता है, मतलब 90 दिनों के अंदर अंदर इनको क्या करना होता है कि ऑफिशियली गेम को लॉन्च कर देना होता है। तो गाइस ड्रीम क्रिकेट 23 को आए को भी 90 से ज़्यादा दिन लगभग हो गए थे, उसके कारण उसके बाद भी ये गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई और ड्रीम क्रिकेट 23 गूगल प्ले स्टोर से लेकर। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है ड्रीम क्रिकेट 23 क्यों रिमूव हुई है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं। और अगर आपको गाइस कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है ड्रीम क्रिकेट वालों के साथ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक दे दूंगा, और ऐसा पॉप अप आ जाएगा, आप अपना नाम वगैरह लिख के कोई भी क्वेश्चन ड्रीम क्रिकेट वालों के ऑफिशियली वेबसाइट ऑफिशियली लिंक आपको दिया है, आप कोई भी क्वेश्चनिंग जाके उनसे भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो, सबसे पहले देखना चाहते हो, तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर देना और अपने कमेंट में व्यूज़ जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज़।